हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंग्लिश का फाइनल लेसन प्लान आपको किस तरीके से बनाना होता है, प्लस जो इंग्लिश का लेसन प्लान है उसमें आपको बनाते वक्त कैसी प्रेजेंटेशन करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से चार्ट पेपर से फोल्डर बनाया है एंड यहाँ पे इस तरीके का फोल्डर मैंने यूज किया है। ठीक है, इसके अंदर आप भी अपना एक लेसन प्लान जो जिस पे भी आप डेमो दे रहे हैं वो आपको लगाना होता है। इसके बाद देखिए, आप चाहें तो इसको नॉर्मल शीट्स पर लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपको किसी पर्टिकुलर फाइल में ही लिखना है। अगर आपको आपके कॉलेज की तरफ से कोई पर्टिकुलर फाइल मिली है तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो लेसन प्लान मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये है एंटोनिम्स पे, ठीक है, अपोजिट वर्ड्स पे, क्लास 6 का है इंग्लिश सब्जेक्ट। सबसे पहले आप लिखते हैं यहाँ पे जनरल एम्स। जनरल एम्स की बात करें तो देखिए, जनरल एम्स कभी भी शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होते हैं, ये लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। और यहाँ पे ये सिर्फ एक चैप्टर से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहे हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, टू एनरिच द वोकैबुलरी ऑफ स्टूडेंट्स, टू प्रोवाइड द मोटिवेशन टू लर्न इंग्लिश, टू शो चिल्ड्रेन दैट इंग्लिश इज फन। ठीक है, ये चार हमारे एम्स रहे। अब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को पहले नॉलेज बेस्ड लिखेंगे हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। पहला है, स्टूडेंट्स विल कम टू नो दैट व्हाट एंटोनिम्स आर, दे विल लर्न न्यू वर्ड्स, दे विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, दे विल अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं एंड देखिए, कुछ इस तरीके से आप थोड़ा सा कलरफुल बना सकते हैं हाइलाइटर का यूज करके। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर हैं। स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एंटोनिम वर्ड्स, दे विल यूज देम इन देयर डेली लाइफ या डेली वोकैबुलरी। ठीक है, अब आगे है जनरल टीचिंग एड्स जो यूज किए गए हैं वो है चौक, डस्टर, पॉइंटर और ब्लैक बोर्ड। इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स जो यूज किए गए हैं वो है फ्लैश कार्ड और हैंगिंग वॉल चार्ट। वो भी इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी मैंने किस तरीके के फ्लैश कार्ड और हैंगिंग चार्ट यूज किए हैं। यहाँ पे आगे बात करें तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग है। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज बच्चों की पहले आप टेस्ट करोगे और उसी के बाद देखिए आप अपना टॉपिक बोर्ड पे लिखते हैं। इससे पहले आपको टॉपिक नहीं लिखना है। ठीक है, जब आप टॉपिक अनाउंस करेंगे तभी आपको वो लिखना है। किस तरीके से है, पहले आप यहाँ पे एक स्टोरी बच्चों को सुनाएंगे। मायंक इज अ गुड बॉय, हिज बेस्ट फ्रेंड नेम इज आर्यन एंड ही इज यहाँ पे आएंगे एंड ही इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ आर्यन। ठीक है, अब यहाँ पे एक और स्टोरी है, स्टोरी टू। ठीक है, मायरा इज अ 10 years ओल्ड स्वीट गर्ल, शी लव्स टू स्टडी एट नाइट एंड हिज फ्रेंड टॉम लव्स टू स्टडी इन डे टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स आपने देखे, स्टोरी वन में, स्टोरी टू में, यहाँ पे नाइट और डे था और पिछले जो एग्जाम्पल है उसमें गुड और बैड था। ठीक है, इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देती हूँ। मयंक इज अ गुड बॉय, हिज बेस्ट फ्रेंड नेम इज आर्यन एंड ही इज अ बैड बॉय। ठीक है, तो गुड और बैड को आप दोनों को सर्कल करेंगे। तो अब देखिए, गुड और बैड आपको वर्ड्स मिले, गुड और बैड, और यहाँ पे कौन से वर्ड्स मिले आपको, यहाँ पे वर्ड्स आपको मिले डे एंड नाइट। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ, ये रहा गुड बैड एंड यहाँ पर है ये रहा डे एंड नाइट। ठीक है, ये वर्ड्स हमें मिले। तो यहाँ पे देखिए, इन वर्ड्स की बात करते हैं तो ये आप बच्चों से पूछेंगे कि ये किस तरह के वर्ड्स हैं। बच्चे देखिए, उन्होंने पहले कुछ ना कुछ अपोजिट वर्ड्स पढ़े होंगे, एंटोनिम्स पढ़े होंगे, तो वो बिल्कुल यहाँ पे बता पाएंगे कि ये किस तरह के अपोजिट वर्ड्स हैं। आप बच्चों को फिर एक ऐसा देंगे यहाँ पर मुश्किल वर्ड देंगे, डिफिकल्ट एक वर्ड देंगे जिनका एंटोनिम उनको नहीं पता होगा। ठीक है, मे बी एक आधा बच्चा जवाब दे दे, बट ज्यादातर को नहीं पता होगा, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे फिर आप बोलोगे चलो आज हम और अपोजिट वर्ड्स एंटोनिम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अपोजिट वर्ड्स हम बेसिकली हर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, बट उसका हम वर्ड्स लेवल थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं बच्चों की वोकैबुलरी के हिसाब से, उनकी एज ग्रुप के हिसाब से, क्लास के हिसाब से। फिर आप टॉपिक्स को अनाउंस करोगे, स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी मोर एंटोनिम्स एंड यू विल रियली एंजॉय लर्निंग देम। ठीक है, तो अब आपने टॉपिक अनाउंस किया और इसी टाइम पे आप ब्लैक बोर्ड पे अपना टॉपिक लिखेंगे। ठीक है, तो
तो यहाँ पे ये रही आपकी प्रीवियस नॉलेज, टॉपिक अनाउंस कर दिया, अब प्रेजेंटेशन की भाई हम पढ़ा क्या रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप डिवाइड करेंगे प्यूपल टीचर एक्टिविटी और प्यूपल एक्टिविटी में। प्यूपल टीचर एक्टिविटी में आप लिखेंगे, पहले तो बताएंगे बच्चों क्योंकि एंटोनिम्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे टीचिंग पॉइंट भी आ सकता है, अगर आपको वो भी डालना है तो टीचिंग पॉइंट होगा एंटोनिम, ठीक है। फिर आप यहाँ पर लिखते हैं एंटोनिम इज अ वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड, जो दूसरे का विपरीत वर्ड बताए, बिल्कुल अपोजिट बताए। एग्जाम्पल के तौर पे हॉट कोल्ड, ठीक है। लेट अस स्टडी सम मोर एंटोनिम्स, मोर होगा ये, थोड़ा सा करेक्शन कर लें, ठीक है। अब इस वक्त बच्चे क्या करेंगे, बच्चे देखिए ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखिए, अब आपको चार्ट भी दिखाना है इस वक्त, ठीक है। अब यहाँ पे आप होल्ट कॉल का एग्जाम्पल देने के बाद बच्चों को चार्ट दिखाएंगे और उसकी मदद से ये सारे आगे और भी हैं, ये सभी आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे क्या एंटोनिम्स, ठीक है। ज्यादा एंटोनिम्स ना रखें, कम ही रखें, यहाँ पे सिर्फ 10 एंटोनिम्स आर वेरी इनफ इफ यू आर गोइंग टू टेक देम। तो पहला है अबव बिलो, फिर प्रेजेंट एबसेंट, एग्री डिफर एंड देन एक्सेप्ट रिजेक्ट, ड्राई वेट, बॉटम टॉप, फार नियर, ब्रेव, कावर्ड, चीप, कॉस्टली एंड क्लीन, डर्टी, हेवन, हेल, परमानेंट, टेम्परेरी एंड यहां पे देखिए हैवी, लाइट, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक आपको जो जरूर इंक्लूड करना है, जैसे कि यहाँ पे हेस्ट पूछा गया है, तो यहाँ पे ये वाला जो डिफिकल्ट आपने पूछा था इसको लास्ट के लिए रखें, ताकि बच्चे पहले सब कुछ इंटरेस्ट से सुने और लास्ट में फिर आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में देखिए यहाँ पे स्टूडेंट टीचर विल मेक सेंटेंसेज ऑन ईच एंटोनिम एंड एक्सप्लेन स्टूडेंट्स वन मीनिंग, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप हर एक पे, जैसे कि ब्रेव कावर्ड है, हर एक पे सेंटेंस बना के दिखाएंगे और बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखाएंगे सबसे रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रेव और कावर्ड के लिए सेंटेंस क्या बनेगा, स्नेहा इज अ ब्रेव गर्ल एंड हिज सिस्टर इज अ कावर्ड गर्ल, लाइक दिस यू कैन फ्रेम। ज्यादा नेगेटिव सेंटेंसेस को यूज बिल्कुल ना करें, ठीक है। माई बैग इज हैवी एंड योर बैग इज लाइट इन वेट, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेज आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख दें, कोशिश करें सभी के लिखें, अगर आप सभी के नहीं लिखते हैं तो कुछ के लिख दें कि इस तरह के भाई आपने एग्जाम्पल्स देंगे, ऑन द स्पॉट देंगे आप क्लासरूम में, और इस वक्त बच्चे क्या करेंगे, इस वक्त बच्चे ध्यानपूर्वक आपको सुनेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स आर गोइंग टू लिसन यू केयरफुली एंड दे आर गोइंग टू नोट डाउन इन द नोटबुक्स, राइट। अब इसके बाद देखिए, अब ये पढ़ाने के बाद, ठीक है, अब आप जनरलाइज करेंगे कि हमने ये पढ़ा, और फिर आप लास्ट में एक बार सभी एंटोनिम्स को एक बार रिकैप्चुलेट या जनरलाइज कर देंगे। इसके बाद इवैल्यूएशन में आप बच्चों से कुछ इस तरीके से पूछेंगे कि बताओ एब्सेंट का क्या होता है, ब्रेव का क्या होता है, एंटोनिम्स, इन सभी का पूछेंगे अलग अलग बच्चों से। एंड यहाँ पे देखिए, इस वक्त आपके बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, अदरवाइज तो बच्चे वहीं से देख के बता देंगे, और चार्ट पेपर आपको इस टाइम पे हटा लेना है। ऐसे ही होमवर्क में देखिए, आप बच्चों को कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव वर्क दें, यहाँ पे आप बच्चों को होमवर्क देंगे, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे सेंटेंसेस होगा, मेक पिक्चर ऑफ एनी 5 सेंटेंस एंटोनिम्स, ठीक है, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लें, ऑन अ A4 साइज शीट, ठीक है, विद पिक्चर्स, ठीक है, एंड कुछ इस तरीके का आपका रहेगा ब्लैक बोर्ड वर्क। इसके बाद देखिए, आपको लास्ट में लगाना है कि आपने किस तरह के टीचिंग एड्स यूज किए, तो टीचिंग एड्स में आपने कुछ इस तरह के यूज किए, तो लास्ट में पूरा कंप्लीट लगाने की जरूरत नहीं, आप बस बता दें, आइडिया दे दें कि भाई हैंगिंग चार्ट सच चार्ट पेपर वॉज यूज, जैसे इन सब का हैंगिंग चार्ट यूज किया आपने एंटोनिम्स का, और फ्लैश कार्ड्स आपने यूज किए, किस तरह का चार्ट पेपर आपने यूज किया वो आपको यहाँ पे दिखा सकते हो आप, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके का चार्ट पेपर यूज करा। तो इस तरीके का देखिए हैंगिंग वॉल चार्ट यूज कर सकते हैं आप, इस तरीके का ये रहा, एंड यहाँ पे देखिए एंटोनिम्स, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, चीप, कॉस्टली, ये सिर्फ मैं एज अ सैम्पल दिखा रही हूँ, आप जो भी 10 अपने सेलेक्ट करते हैं एंटोनिम्स, उन्हीं पे आप यहाँ पे सैम्पल बना सकते हो, ठीक है, एंड इस तरह का टीचिंग एड आप यूज कर सकते हो, ठीक है, सच अ गुड टीचिंग एड। इसके साथ मैं आपको जिन फ्लैश कार्ड्स की बात कर रही हूँ, तो फ्लैश कार्ड कुछ इस तरीके के, आप इसको कलर्ड पे भी निकाल सकते हैं अगर आपका बजट थोड़ा हाई है, इस तरीके के फ्लैश कार्ड्स,
ठीक है, क्वालिटी का थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में निकाल रही हैं, बस एज अ सैम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके के आप फ्लैश कार्ड्स निकाल सकते हो, और ये बच्चों को आप दिखाओ, जो भी आप अपोजिट वर्ड एंटोनिम बच्चों को पढ़ाओ। तो इस तरीके का चार्ट पेपर और इस तरीके के आप टीचिंग एड्स यूज़ कर सकते हो। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू वांट मैं फाइनल लेसन प्लान या चार्ट पेपर और टीचिंग एड्स कुछ आपको दिखाऊं किसी और टॉपिक पे, तो कमेंट बॉक्स में आप टॉपिक लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियो ऑन द सेम। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ यू हैव लाइक लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, देन प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।